हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की संसद को। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमने कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक्स हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उनको देख सकते हैं, उनसे अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भारत की संसद के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है भारत की संसद। तो देखिए, जो संसद है भारत की, वह एक संघीय विधायिका है। ठीक है, पूरे संघों की, पूरे राज्यों की, जो पूरे देश की, भारत के जो देश हैं उनके अलग अलग संघ जो हैं उनकी एक संयुक्त विधायिका ये है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति तथा दो अन्य सदन भी हैं। ठीक है, ये अंग हैं संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो है वो अंग हैं। ठीक है, फिर देखिए, राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। ठीक है, क्यों बनाया गया है? ताकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय कायम रह सके। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति को भी एक जो संसद है भारत की उसका अंग बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ये यहाँ पे कार्य होते हैं संसद में, तो इसलिए राष्ट्रपति को एक अंग बताया गया है भारत की संसद में, जिसकी वजह से जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि भारत की संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में हम जानते हैं पहले। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? संसद की उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 80 दिया गया है उसमें दिया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, 250 संख्याओं का प्रावधान है, 250 सदस्यों का। ठीक है, इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 80 में, जो संविधान का अनुच्छेद 80 है उसमें दिया गया है, ये चीज़ मेंशन हुई है संविधान में। और जो बात करें वर्तमान संख्या की, कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो ये कुल 245 सदस्य हैं। ठीक है, फिर आगे है इसमें, इनमें जो 12 सदस्य हैं, यानी कि कुल जो 250 जो सदस्य होते हैं, इनमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और जो ये सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो या उन्हें कोई अनुभव प्राप्त हुआ हो। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में उनको कोई ना कोई नॉलेज होनी चाहिए या उनका कोई एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए, जिसके आधार पर जो है राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है राज्यसभा के सदस्यों के लिए। ठीक है, अब है शेष जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, शेष का अर्थ क्या होगा कि जो 250 में से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति ने मनोनीत किए, लेकिन जो बचे हुए सदस्य हैं, यानी कि 238 सदस्य जो होते हैं, वो कौन मनोनीत करता है या कौन चुनता है उनको? तो ये जनता के द्वारा। ठीक है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनको निर्वाचित किया जाता है, फिर जाकर ये कहाँ पहुँचते हैं? राज्यसभा के सदस्य ये बन पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनका जो चुनाव है वो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों से ये सदस्य आते हैं। ठीक है, और वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ के सदस्यों के द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब इसके इसमें योग्यता देखेंगे हम, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जो सदस्य बनेगा राज्यसभा का उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कहीं बाहर का नहीं होना चाहिए, किसी भी दूसरे देश का, सिर्फ वो भारत का नागरिक हो। उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक हो तो ठीक है, लेकिन 30 वर्ष से कम आयु होगी अगर किसी सदस्य की, तो वह वहाँ पर वो सदस्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये योग्यताएँ होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। फिर वह किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का या दिवालिया ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर का अर्थ होगा कि वह कोई भी सरकारी नौकरी वाला ना हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये ना हो कि उसको कोई लाभ मिल रहा है, यानी कि कोई उसको अपनी जो सैलरी मिल रही है, किसी लाभ के पद पर ना हो वो। ठीक है, विकृत ना हो, यानी कि मस्तिष्क कैसा हो, शांत, तो मतलब नॉर्मल इंसान हो। ठीक है, क्योंकि अगर दिवालिया होगा, उसका जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं होगी, तो फिर वो राज्य जो सभा है उसका सदस्य बनने के योग्य नहीं कहलाया जाता है या होता है। ठीक है, अब है ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाती हो। ठीक है, यानी कि संसद के द्वारा कुछ कानून निश्चित किए गए हैं, ऐसी वो योग्यता रखता हो वो जो सदस्य बनेगा राज्यसभा का। ठीक है, फिर राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उसे राज्य में
संसदीय क्षेत्र का मतदान मतदाता होना आवश्यक होता है, ठीक है, जिस राज्य में वह चुनाव लड़ा है, यानी कि जो राज्यसभा का जो उम्मीदवार होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, पहले जिस क्षेत्र से वह राज्यसभा का उम्मीदवार बन रहा है, राज्यसभा का सदस्य चुना जा रहा है, तो वह पहले उस क्षेत्र का जो संसदीय क्षेत्र होगा वहाँ का वो मतदाता होना चाहिए जहाँ से कि वह उस चुनाव को लड़ रहा है, ठीक है। राज्यसभा तक पहुँचने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं जो, तो पहले वो स्वयं से मतदाता उस क्षेत्र का हो तो ही वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होता है, ठीक है। अब है इसमें इसका कार्यकाल जानेंगे हम कि कार्यकाल कैसा होता है, कितना होता है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ठीक है, एक स्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होता है, ठीक है, भंग नहीं हो सकती है राज्यसभा कभी, बल्कि इसके एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वह हर 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है, ठीक है। तो जो राज्यसभा है वो क्या है, स्थायी सदन है, यानी कि वो कभी भंग नहीं होगी, कभी उसका विघटन नहीं होगा जो राज्यसभा है। और इसके सदस्य की बात करें तो हर 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में जो एक तिहाई सदस्य हैं वह क्या कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर जो है नए सदस्यों को चुनाव होता है, ठीक है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अब इसमें हम बात करेंगे पदाधिकारी की। तो देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो राज्यसभा को मतलब राज्यसभा को संबोधित करेगा वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है, कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है, तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति भी निर्वाचित कर देती है, ठीक है। एक तो उपराष्ट्रपति सभापति होता है, और कभी उपराष्ट्रपति यदि अगर मौजूद नहीं है, ठीक है, किसी कारणवश जो राज्यसभा है उसमें, तो उस सभा को कौन आयोजित करेगा, एक उपसभापति भी उसके लिए घोषित किया जाता है, बनाया जाता है, चुना जाता है, ठीक है। तो उपसभापति भी बनाया जाता है जो क्या करते हैं, सभापति की अनुपस्थिति में, यानी कि जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति जो होता है वह उस सभा की जो राज्यसभा है उसके कर्तव्यों का पालन करता है, ठीक है। तो ये है, फिर आगे है इसमें, उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है, ठीक है। जो उपसभापति चुना जाता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, तो वह जो है वो अपने मतलब उसको हटा भी सकते हैं उपसभापति को, जिसमें कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह क्या करते हैं, मत देते हैं हटाने के लिए, प्रस्ताव पारित करते हैं, क्या कि जो उपसभापति है अगर वो कार्य ढंग से नहीं कर रहा है तो सारे ही राज्यसभा के सदस्य मिलकर के बहुमत प्रस्ताव पारित करते हैं और उससे जो उपसभापति चुना जाता है तो उसको हटा दिया जा सकता है। फिर है इसमें आगे हम देखते हैं राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ, ठीक है, कौन कौन से कार्य राज्यसभा के द्वारा किए जाते हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ राज्यसभा को प्रदान है, यानी कि जो वो विशेष रूप से इन कार्यों को कर सकता है, तो राज्यसभा के अंतर्गत वो शक्तियाँ कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संविधान संशोधन की शक्ति है, ठीक है, संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है राज्यसभा। फिर है राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उनका चुनाव किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी वो भाग ले सकते हैं। फिर आएगा इसमें, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इनके कार्य या शक्तियाँ, इनको हम कहेंगे कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फिर है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर, ठीक है, राज्यसभा जो है वो लोकसभा के साथ में मिलकर के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य जो पदाधिकारी होते हैं उन पर महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है, किस पे, राष्ट्रपति पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पे और कुछ जो अन्य पदाधिकारी होंगे संसद के अंदर, तो उन पर महाभियोग वो लगा सकती हैं, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के। फिर है, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है, ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति किसी तरह से कार्य अगर सही तरीके से नहीं कर रहा है तो राज्यसभा लोकसभा के साथ में मिलकर के बहुमत प्रस्ताव पास करता है और उसके अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति है उसको उसके पद से हटा सकता है, ठीक है, ये शक्ति राज्यसभा के पास है। फिर है, 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो, ठीक है, जो आपातकाल यदि कहीं किसी क्षेत्र में लगा हो, ठीक है,
और उसको उस आपातकाल को लागू रखना है अभी भी, ठीक है, लंबे समय तक या एक अवधि के बाद, 1 माह की जो अवधि है, ठीक है, और उसके बाद अगर आपातकाल लागू रखना है तो उस प्रस्ताव को जो अनुमोदन है वो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पारित होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये इसकी शक्तियाँ हैं। अब इसमें हम बात करेंगे विशेष अधिकार की, ठीक है, जो राज्यसभा के विशेष अधिकार हैं या अन्य शक्तियाँ जिसे हम कहेंगे, यानी कि वो दूसरे जो संसद की जो अंग है उनके पास ये अधिकार नहीं है, ये सिर्फ राज्यसभा के पास है। तो वो कौन से हैं? तो देखिए, राज्यसभा को 2 ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब कौन से हैं वो अधिकार? तो देखिए, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 में ये दिया गया है कि राज्यसभा के पास एक ऐसी शक्ति है कि वह क्या कर सकता है, 2/3 बहुमत के द्वारा, ठीक है, 2/3 जो बहुमत है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, तो उससे राज्य सूची के किसी भी विषय को वह राष्ट्रीय महत्व उसको प्रदान कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो फिर राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो संसद भी वहाँ पर कानून का निर्माण कर सकती है यदि किसी, अगर राज्य सूची के किसी भी विषय को महत्व प्रदान किया जाता है तो उसके प्रति कानून का निर्माण कर सकती है। फिर आएगा इसमें, ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए लागू किया जाता है जो प्रस्ताव है, यदि जो राज्य सूची है उसके किसी विषय पर विशेष महत्व उसको दिया जाता है, राष्ट्रीय महत्व घोषित कर किया जाता है, तो उस पर जो कानून बनाए जाते हैं तो राज्यसभा उसको बढ़ा भी सकती है, उसको हर 1 वर्ष के लिए भी बढ़ा सकती है, ठीक है। यानी कि 1 वर्ष तक तो राज्य सूची के जो विषय होता है उसको महत्व प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय महत्व, लेकिन राज्यसभा चाहे तो उसको हर वर्ष 1-1 वर्ष करके बढ़ा सकती है, ठीक है, ये उसके पास शक्ति प्रदान है राज्यसभा के पास। अब देखिए, जो दूसरी राज्यसभा के पास महत्वपूर्ण या विशेष जो अधिकार हैं, ठीक है, तो वो है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, ठीक है। एक हमने 249 के अनुसार पढ़ा, फिर ये दूसरा है 312 के अनुसार जो संविधान का अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव है पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को दे सकती है, ठीक है। ये राज्यसभा के पास ये शक्ति है कि वो भारत सरकार को दे सकती है, कौन सा, यानी कि केंद्र में जो सरकार कार्य कर रही है, भारत सरकार जिसको हम कहेंगे, तो वो नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को दे सकती है 2/3 बहुमत प्रस्ताव के आधार पर। यानी कि 2/3 कितना होगा, ठीक है, 2/3 इस तरीके से आप देखेंगे, 3 अलग अलग बराबर हिस्सों में अगर किसी चीज़ को बांटा जाए, उसका 2 जो भाग है वह पूरी तरह से किसके समर्थन में हो, उस कार्य के समर्थन में हो, तो उसको 2/3 कहा जाता है। यानी कि 2/3 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, वो प्रस्ताव अगर मतलब पास कर देते हैं तो इसके आधार पर जो है कार्य आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब है इसमें, राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे, ठीक है, तो तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती है, ठीक है, नई अखिल सेवाओं की जो भारतीय सेवाएं हैं उनकी व्यवस्था नहीं कर सकती है जब तक जो राज्यसभा है ये प्रस्ताव वो पारित नहीं करती है, जब तक उसके जो 2/3 जो बहुमत है जब तक वो नहीं प्राप्त होगा संसद में, तब तक जो नवीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो नहीं भारत सरकार बना सकती है, ठीक है, उस पर कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स था राज्यसभा के बारे में। आगे इसमें हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोकसभा को पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे, ठीक है। आज की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो और आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।